विधायक सदन में अंग्रेजी और हिंदी से अगर परहेज करते हैं और अपने मातृभाषा से अभिव्यक्त करना चाहते हैं तो भारत का संविधान 210 में इजाजत देता है कि अपना मातृभाषा में अभिव्यक्ति कर सकता है। भारत का संविधान में 210 में है। ये भी इन 11 बार सरकार बनी, 5 बार चुनाव झारखंड हुआ कि आज तक रिकॉर्ड नहीं है कि कोई कोठा में विधायक नहीं बोला, कोई संथाली में नहीं बोला, कोई मुंडारी में नहीं बोला, पंच परगना में बोला। झारखंडी भाषाओं को अवहेलना करने का आरोप इन निर्वाचित विधायक पे लगता है। और तो और इस संविधान में लिखा गया है आर्टिकल 350A में, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग इन प्राइमरी लेवल कंपल्सरीली। और यही कानून लग के बंगाल में 1905 में बंगाल बना, KG to PG बांग्ला में पढ़ाई हुआ, कहीं भी ढूंढने से हिंदी नहीं मिलेगा। और यही प्रावधान 1936 में उड़ीसा अलग राज्य बना, उड़ीसा में उड़िया में KG to PG तमाम सरकारी थाना में पुलिस में उड़िया ही उड़िया है, वहाँ हिंदी नहीं है। यहाँ हिंदी क्यों थोपी गई 22 वर्षों में? हिंदी राष्ट्रभाषा है, आदिवासी मूलवासी का भाषा, झारखंडी का मातृभाषा नहीं है। हम कदर करते हैं, मान सम्मान करते हैं, हिंदी राष्ट्रभाषा है। पूरे हिंदुस्तान में अगर हिंदी सबकी मातृभाषा होती तो साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, बंगाल में, असम में, नॉर्थ ईस्ट में कहीं हिंदी नहीं है। तो ये राजपथ चलाने का नियम नहीं है। दूसरी बात है भाषा नीति नहीं बनाना, नियोजित नहीं बनाना। उनको ये मालूम होना चाहिए कि आंध्र प्रदेश के लिए विशेष उपबंध इस संविधान में है, आर्टिकल 371D में है। कहा गया है कि जितना भी सिविल सर्विस स्टेट, जैसे झारखंड पब्लिक सिविल सर्विस में टॉप टू बॉटम, नॉट थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड, आंध्र प्रदेश में जो वहाँ के मूल निवासी है, केवल आंध्र प्रदेश के मिलेगा, ना गुजरात को मिलेगा, ना उत्तर प्रदेश को मिलेगा। ये झारखंड सबके लिए फाटक खुला हुआ है क्या? बिना दरवाजा का घर झारखंड है, बिना गेट का ये झारखंड है, सबके लिए ओपन है क्या? झारखंड पर झारखंडी, हुआ झारखंडी, कौन मूलवासी? ये आज ये लड़ाई के बाद क्या रणनीति बनेगी, मैं संविधान के बात को कहा, यानी आज तक नीतिगत फैसला 22 वर्षों में नहीं हुआ, ये विडंबना है, आश्चर्य की बात है। हम युवा पीढ़ियों को अपील करना चाहते हैं, मेरे बारी थी 1986 से 89, मैंने 3 साल का ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन खुद बनाया और 3 साल के अंदर में 20,000 सेना तैयार किया। और तीसरा मोर्चा पूरे झारखंडियों को लेके चलेगा या फिर बाहरी भीतरी का मुद्दा भी होगा, बिहारियों को भगाओ, भोजपुरी हटाओ, मगही हटाओ, ये सब भी बातें करेंगे? भारत के नागरिकता डोमिसाइल नीति आर्टिकल 5 में है, इसके आधार पर धर्म का विवाद नहीं होगा, जाति का विवाद नहीं होगा, बाहरी भीतरी नहीं होगा। यह किसी भी भाषा, भोजपुरी भाषा, मगही भाषा, ये बिहार का बेस का है, यहाँ का झारखंडी 9 भाषा का ही अस्तित्व खत्म है, तो यहाँ पर भोजपुरी और मगही भाषा का सवाल ही नहीं आता। जिसका विरोध चल रहा, विरोध होगा। ये आंदोलन से बिहारी भगाओ, बाहरी भगाओ कतई नहीं होगा। यहाँ भारत का नागरिक है, रहेगा, खाएगा, बिजनेस करेगा, स्कूल चलाएगा, हॉस्पिटल चलाएगा, ठेकेदार बनेगा, जो करेगा अपना। लेकिन इस बार की लड़ाई में खतियान ही आखिरी डंडा होगा, मेन चाबी की होगा, जो खतियान के आधार पर नौकरी, खतियान के आधार पर ठेकेदारी, खतियान के आधार में सारे सुख सुविधा, चुनाव का टिकट, बिना खतियान का चुनाव लड़ने का हमको लगता है, सुझाव दे रहा हूँ, युवा शक्ति तीसरा मोर्चा जो बनेगा, जिसका खतियानधारी वो होगा सत्ताधारी। PIL हुआ है, 500 करीब PIL झारखंड हाईकोर्ट में हुआ, आय से अधिक धन संपत्ति में अभी हाल में एक तो विधायक जी उस पर हो गया और विदाई की जाएगी। तो बात यह है कि जिनको चुना वही बिक गया और जिनको विश्वास किया वो कोई काम का नहीं आया। इसीलिए हमको लगता है आर पार की लड़ाई लड़नी होगी और जिंदा कौम 5 साल तक इंतजार नहीं करता। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था जयप्रकाश नारायण को कि जिंदा कौम 5 साल का इंतजार नहीं करता, 2.5 साल तक देख लिया, इनमें पारदर्शिता नहीं, दूरदर्शिता नहीं, नियत नहीं है, नीति नहीं है, ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने का अपील करता हूं और नया जवान को जिन बोलता हूं कि आने वाला दिन में बागडोर को ऐसा चेंज कर दो, असम में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन प्रफुल्लो महंतो कुंवरों की सरकार बना, आप आओ नौजवान,
झारखंड का भविष्य आपके हाथ में है, तभी झारखंड का तस्वीर बदलेगा। मैं नीतिगत आगे क्या रणनीति बनेगा वो डिपेंड करता नौजवान पर, मैं उनको मार्गदर्शन देते रहूँगा। मैंने घोषणा किया और आज मैं घोषणा करना चाहता हूँ कि मैं आने वाला कोई भी चुनाव नहीं लड़ूंगा। ये भी मेरा सैक्रिफाइस होगा, आने वाला ना विधायक ना एमपी झारखंड से कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा और कोई भी मंत्री से पद का मैं ललायत नहीं हूँ। मैं नौजवानों को नया लीडरशिप में ऊर्जा दूंगा और नेतृत्व प्रदान करूंगा। इसे जनता मेरे ऊपर क्या या पार्टी क्या करेगा? बीजेपी को रिजेक्ट किया, 85 का स्थानीय नीति बनाया, जनादेश नहीं मिला। ये 32 का खतियान को स्थानीय नीति नहीं बना, हेमंत सोरेन जेएमएम इसको भी जनादेश साफ कर देगी। तीसरा विकल्प बनाने की जरूरत है झारखंड में। तीसरा विकल्प बीजेपी गठबंधन में नहीं, जेएमएम गठबंधन नहीं, तीसरा विकल्प क्या होगा ये संकल्प नौजवान को लेना होगा। मैं नीति निर्धारण नहीं कर सकता है, नौजवान एकजुट हो आगे चले, यही मेरी शुभकामना है। नहीं, युवाओं को कैसे नहीं जोड़ पा रहे हैं? आज तीर्थनाथ आकाश आया हुआ है, आज देवेंद्रनाथ महतो आया हुआ है, विकास महतो आया हुआ है। नहीं, अरे सब लोग आज का मीटिंग में आना था, लेकिन पहले ही बुक हो चुका है, रैली में, मीटिंग में, सभा में आग लगी हुई है झारखंड में। ये भ्रम पैदा नहीं होना चाहिए। तमाम युवा शक्ति हम चाहते हैं कि पुराने जो लोग चुनाव लड़े होंगे उनको बात करके नया पीढ़ी, नया जोश, नया माने खून, इसको सामने आना होगा और तब कुछ बदला हो सकता है। और मेरे काफ़ी संभावना है, तीसरा विकल्प आज नहीं तो कल 2024 तक यही आंदोलन का उपज एक राजनीतिक समीकरण ध्रुवीकरण होगा। कभी मौका मिलेगा? नहीं, अरे अलग राज बनाने वाला को सवाल कर रहा है, आपका पैदा ही नहीं हुआ होगा उस समय। अरे मैं 1 साल 5 महीना विधायक थे, किस पागल कुत्ता ने काटा था मेरे को? लालू ने बोला 1 करोड़ दो, शिबू सोरेन 3.5 करोड़ रुपया दिया, वो ले लिया, घुसकांड में कलंकित किया झारखंड की राजनीति को। मैं त्याग दिया हूँ, लड़ाई लड़ा हूँ, टेबल टॉक किया, एग्रीमेंट किया, राजीव गांधी के साथ एकॉर्ड किया हूँ 89 में। आप उसे सवाल पूछ रहे हैं कि नौजवान मेरे को विश्वास नहीं कर रहे हैं? नहीं, अलग रास्ते पे चल रहा है। आपकी बैठक थी उसमें कई लोग नहीं आए, एक जयराम महतो जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, राज्यपाल से मिलने गए थे, उनको जानकारी भी नहीं है बैठक की, जबकि आप बोल रहे हैं कि सबको एक सूत्र में। सारे लोगों को अपील किया गया कि इनकी सुविधा, कोई दुविधा है, किसी को सुविधा मिला वो आए, कोई दुविधा हुआ नहीं आए। हमारा मकसद है सबको एक सूत्र में बांधना, एक बड़ा अम्ब्रेला में आके काल के दिन में चुनाव तो लड़ना पड़ेगा, जेएमएम को तो सत्ता से हटाना होगा, बीजेपी को तो मौका नहीं देना होगा, तो विकल्प की राजनीति नहीं होगी, तो आम आदमी पार्टी भी विकल्प में पैदा हुआ बीजेपी कांग्रेस का, और असम गण परिषद भी कांग्रेस का विकल्प भी असम में बना था। झारखंड में विकल्प की राजनीति बनेगा और युवाओं के हाथ में बागडोर होगा, कौन छूटेगा कौन हटेगा वो बात की बात है। ये अपील में सभी युवा एकजुट हो और एक साथ चलो, एक साथ बोलो, यही मेरा अपील है। तीसरा मोर्चा जो आज जो अग्रणी नेतृत्वकारियों का एक बैठक आयोजित की गई थी और ये स्टेट गेस्ट हाउस मोराबादी स्थित, आज समीक्षा ये की गई कि विगत 2-3 महीना से खतियानी आंदोलन शुरू हुआ और बजट सत्र 25 फरवरी से लेके 25 मार्च तक चली। इस दरमियान हेमंत सरकार ने अपने नियत और नीति स्पष्ट कर दी कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बनाने के पक्ष में नहीं है, और ये भी उन्होंने चेतावनी दिया जनता की आशा आकांक्षाओं को ठुकराते हुए, उनको ये भी कह दिया कि खतियान के आधार पर कभी भी स्थानीय नीति नहीं बनेगा। उसका जवाब में हमें ये कहना है, 1982 में अविभाजित बिहार ने जो एक
स्थानीय नीति तय किया था जिस समय झारखंड अलग नहीं हुआ 1982 में, और इस क्षेत्र में भी एक ही बिहार में एक ही राज्य में स्थानीय नीति तय था, उसमें यह लिखा था कि जिले के अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जिन व्यक्ति का नाम अंकित है या पूर्वजों का नाम है उन्हीं व्यक्ति को ही उस जिला के मूल निवासी स्थानीय माना जाएगा। ये नया नियम नहीं 1982 में बिहार में, तब जब एक सर्वे सेटलमेंट खतियान के आधार पर अविभाजित बिहार में बन सकता है और आज भी बिहार में लागू हुआ है, लेकिन बड़ा विडंबना बोला जाए कि दुखद आश्चर्य का विषय बोला जाए कि हेमंत सोरेन ने कह दिया कि खतियान के आधार पर नहीं बनेगा। इस संविधान को मैं हवाला देते हुए कहना चाहता हूँ कि ये दुर्भाग है 22 वर्षों के अंदर में 11 बार सरकार बनी, 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, लेकिन आर्टिकल जो प्रोविजन है 371 में प्रोविजन है पंजाब से लेके नागालैंड और आंध्र प्रदेश से लेके तेलंगाना, ये तमाम राज्यों का कमाबेश ये 28 राज्यों का ये प्रोविजन किया गया। 22 वर्षों के आंदोलन में इस संविधान में झारखंड का विधि सम्मत कोई चीज नहीं बनाया गया। इस संविधान में उल्लेखित है कि राज्य स्तरीय ऐसे कानून कि वहाँ के जनहित में जल जंगल जमीन स्थानीयता रिजर्वेशन ऐसे मामले में जो विधानसभा से पारित होता है उनको केंद्र सरकार के यहाँ भेजी जाती है और वो राष्ट्रपति के अनुमोदन से संविधान के 9वें अनुसूची में 9 शेड्यूल में से लिपिबद्ध हो जाता है। लेकिन आज तक नहीं बातें हैं कि जेपी आंदोलन 74 में हुआ, 77 में जनता पार्टी बना, सत्ता परिवर्तन हुआ, आसाम में ऑल आसाम स्टूडेंट यू लड़ा, आसाम को नौ परिषद बना, सत्ता में आया नौजवान स्टूडेंट, उसके बाद लोकपाल विधेयक में अन्ना हजारे अनशन किया, अरविंद केजरीवाल कमान संभाला, आम आदमी पार्टी बना। तो कहने का मतलब है केवल एक मुद्दा पे हंगामा खड़ा कर देना, केवल एक मुद्दा पे आवाज बजाना और विकल्प नहीं देंगे तो आखिरकार जनता बीजेपी को हराया, इस बार जेएमएम के खिलाफ जनता है तो तीसरा विकल्प तो बना, तत्काल तो नहीं बनेगा, तत्काल तो हम घोषणा नहीं करें, इसके लिए 1-2 दिन 3 दिन चिंतन मंथन शिविर होगा, अगला तिथि कब होगा, जितने अग्रणी नेता हैं पुराना और नया समान विचारधारा एक बैनर तले आएंगे। अभी तो सेंट्रली झारखंड समन्वय समिति बना चुके हैं, छोटे मोटे जो दल संगठन हैं क्षेत्रीय स्तर पर उस बैनर पे आंदोलन चलेगा, कार्यक्रम चलेगा, लेकिन केंद्रीय स्तर पर झारखंड समन्वय समिति बड़ा छत्र छाया होगा। बाहरी और क्या बनाया इस आंदोलन में सुदेश महतो जैसा आदमी दोहरी नीति के राजनीति खारिज हो चुका है, पहली बात है। दूसरा, ये लोग कितना एक्सेप्ट करेगा, मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ केवल जिनको एक बार भी मौका ना मिला हो, नया खिलाड़ी ब्राजील अर्जेंटीना जब वर्ल्ड कप खेलता है तो वही जर्सी रहता है सेम्बुल, लेकिन युवा खिलाड़ी रहता है। हमारा कहना है इस बार जो 2024 में खिलाड़ी होगा इसमें ना दागी हो ना बागी हो, ना कभी चुनाव लड़ा हो ना दल बदलू हो, बिल्कुल फ्रेश लीडरशिप एंड फेयर पॉलिटिक्स, ये मैं अपील करना चाहता हूँ। झारखंड की आवाज़ YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम हैं आपकी आवाज़।